एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मराठा स्वतंत्रता संग्राम के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि 1689 से 1707 के मध्य लड़ा गया और उसका नेतृत्व है मराठा छत्रपति राजाराम और ताराबाई ने किया। तो जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि शिवाजी के पश्चात किस प्रकार संभाजी ने वो मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संघर्ष किया और मुगल बादशाह औरंगजेब मराठा शक्ति का दमन करने में असफल रहे, लेकिन 1689 में किस प्रकार संभाजी है उसकी औरंगजेब है वो निम्रतापूर्वक है, वो संभाजी की औरंगजेब है वो हत्या कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में संभाजी की हत्या के बाद उनका जो 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 ब्रदर है, क्या कहना चाहिए, राजाराम है वो मराठा छत्रपति है वो बनते हैं। तो इस समय जो मुगलों के साथ संघर्ष के अंदर वो एक तरह से परिवर्तन आता है। पहले जो मुगलों के साथ संघर्ष है वो मराठा छत्रपति किया करते थे, लेकिन अब मराठों की जो आम जनता है उन्होंने भी मुगलों को परेशान करना है वो प्रारंभ कर दिया। और राजाराम है उनके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध है एक स्वतंत्रता संग्राम है, जिसके अंदर महाराष्ट्र की जो आम जनता है, दक्षिण भारत की जो आम जनता है वो भी एक प्रकार से है वो मुगलों के विरुद्ध हो गई और मुगलों को परेशान करना है वो प्रारंभ कर दिया। और जो मुगल सेना ने जब मराठों की राजधानी रायगढ़ पे अधिकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि राजा राम है वो जिंजी चले जाते हैं और जिंजी को ही अपनी राजधानी है वो बनाते हैं। तो जो राजा राम है उसने उसके शासनकाल के अंदर कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। राजाराम के शासनकाल के अंदर राजाराम ने कुछ जो परिवर्तन वो किए, तो जैसा कि अब हम देखते हैं कि शिवाजी के समय में जो अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन राजाराम ने सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया और इसने महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों के अंदर विभिन्न मराठा सरदारों को जागीर देना प्रारंभ कर दिया। और इसके अलावा, क्योंकि शिवाजी ने ऐसा नहीं किया था, जबकि राजाराम ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और इस जागीर को न केवल मराठा सरदारों को जागीर दी, अपितु इस जागीर के अंदर है उनको पूर्ण रूप से आंतरिक सुविधा दी और उनको ये दायित्व सौंपा कि वे अपने अपने संसाधनों से मुगल प्रदेशों को जीतेंगे और वो अपनी रक्षा स्वयं करेंगे और स्वयं ही राजस्व वितरित करेंगे। तो ये छूट है वो राजाराम ने दी। और अब राजाराम अब जो मराठा है वो जमकर मुगल सेना का मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि एक तरह से डायरेक्ट मुकाबला नहीं करेंगे, अभी तो जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है जो कि सबसे पहले है वो जहांगीर के समय में अहमदनगर के वजीर जो मलिक अंबर ने अपनाई थी, उस गुरिल्ला पद्धति से ही है वो मुगलों का मुकाबला करने की नसीहत उसने अपने मराठा सरदारों को दी। और अब जो मराठाओं के दो सरदार थे, धनाजी यादव और संताजी धोरपड़े, उन दोनों मराठा सरदार जो महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे राजाराम के, तो उन्होंने उनको ये आदेश दिया कि वो जिंजी से लेकर के महाराष्ट्र तक घूमते रहें और मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहें और मुगलों को परेशान करते रहें। तो ये जो 1689 से लेकर के जो 1707 तक जो राजाराम और आगे हम ताराबाई देखेंगे उसके नेतृत्व में जो मराठा में स्वतंत्रता संग्राम चला, जिसमें आम मराठा नेता है, सभी मराठा नेता है वो संगठित होकर के मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। तो इसमें इसको मराठा स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने 1689 के बाद में जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में औरंगजेब ने ये निर्णय लिया कि वे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार करेंगे। और 1689 के बाद में जो मराठा सेना है, न केवल मराठा सेना अपितु पूरी महाराष्ट्र की जनता और औरंगजेब के खिलाफ उठ खड़ी। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था, पहले मराठा सेना ही थी, अब पूरी महाराष्ट्र की जनता एक एक व्यक्ति है वो भी औरंगजेब के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा महाराष्ट्र एक तरह से शस्त्रागार बन गया, क्योंकि आम व्यक्ति है
वो भी है औरंगजेब के खिलाफ है, वो हो गया। तो इसलिए औरंगजेब को मराठों की शक्ति का दमन करने के अंदर है वो बहुत बहुत दमन ही वो नहीं कर सका। तो 1689 में औरंगजेब ने मराठों की जो राजधानी है, जैसे मैंने बताया कि रायगढ़ को जीत लिया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो जो क्या कहना चाहिए, रायगढ़ को जीतने के कारण से जो 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 राजाराम है वो क्या चले जाते हैं कि वो जिंजी चले जाते हैं, क्योंकि 1690 के अंदर जो जिंजी है उसको भी जुल्फिकार ने घेरा डाल दिया था, 9 वर्ष के बाद में नहीं अधिकार कर पाया था। लेकिन 1698 के अंदर क्या है कि जो मुगल सेना है वो जो जिंजी पर भी अधिकार कर लेती है जो कर्नाटक में था, और लेकिन उससे पहले ही जो 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 जो, जो राजाराम है वो सतारा है वो भाग जाते हैं, सतारा चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार 1700 तक औरंगजेब पूरी ताकत लगाने के बाद भी मराठा शक्ति को नष्ट नहीं कर पाए और न ही महाराष्ट्र पर अधिकार कर पाए। इसके विपरीत मुगल सेना वो काफ़ी आतंकित हो जाती है और जो एक तरह से 12 मार्च 1700 को राजाराम है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो राजाराम की जो मृत्यु है उसके पश्चात है उसकी जो विधवा है ने सत्ता संभाल ली। हालांकि राजाराम की मृत्यु के बाद में जो एक प्रकार से मुगल सेना है, औरंगजेब है, वो ये सोचने लग गया था कि अब एक तरह से मराठा शक्ति का पतन हो गया है। लेकिन लेकिन क्या था कि राजाराम की मृत्यु के बाद के अंदर है उसकी जो विधवा है, विधवा पत्नी ताराबाई है, वो अपने 3 वर्ष के जो लड़के हैं उसको शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा जो साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी वो घोषित कर दिया और खुद उसकी सिरसिका बन गई। तो इस समय मराठों के 7 किले थे, सतारा है, पारली है, पन्हाला है, सिंहगढ़ है, विशालगढ़ है, तोरण है, वांगिनखेड़ा है। तो औरंगजेब ने इन इन किलों को है वो औरंगजेब को अब क्या है कि अपने सेनापतियों पर विश्वास नहीं रहा था, इसलिए इसने व्यक्तिगत रूप से मराठों के खिलाफ उसने आक्रमण किया और इन किलों में से केवल जो तोरण का किला उसको औरंगजेब ने ताकत से जीता, बाकी सभी किलों को छल कपट से या रिश्वत देकर के उसने जीता। लेकिन औरंगजेब को नेचुरली क्या है कि बहुत ही शक्ति लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी है वो मराठों की शक्ति का दमन नहीं कर सका और उसने काफ़ी प्रयास भी किया कि मराठों के साथ वो संधि हो जाए, लेकिन मराठा वो संधि करने के लिए तैयार नहीं हुए। मराठे न केवल महाराष्ट्र पे है वो लूटमार कर रहे थे, अपितु मालवा गुजरात में भी वो छापामार युद्ध नीति है, यहाँ तक कि उत्तरी पश्चिमी समुद्र तट बुरहानपुर और सूरत और भंडोच है, इन नगरों को भी लूटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और इस समय है वो एक तरह से औरंगजेब वांगनखेड़ा का घेरा डाला हुआ था और उसी समय वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और वांगनखेड़ा का घेरा मजबूरन उसको उठाना पड़ा और उसके बाद वो अहमदनगर लौट आता है और अंत में एक तरह से 1707 के अंदर है मराठों से लड़ते हुए वो 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब का की दक्षिण के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार हमने देखा कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है उसके अंदर हमने देखा किस तरह औरंगजेब ने जो बीजापुर गोलकुंडा जो कि शिया मतावली थे उनको नष्ट किया, उसमें अपनी शक्ति लगाई, और लेकिन दक्षिण के अंदर जो मराठा शक्ति है उसको दमन करने के लिए पूरा 1681 से लेकर के जब उसके शहजादे अकबर ने विद्रोह किया था तब से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत तक है वो दक्षिण के ही रहा और उसके जो सेनापति हैं उनकी रानियां हैं वो भी परेशान हो गई थी, वो भी औरंगजेब को बार बार है वो कह रही थी कि आप उत्तरी भारत चलें, लेकिन औरंगजेब का दृढ़ संकल्प था कि वो मराठा शक्ति का दमन करेंगे, लेकिन औरंगजेब है पूरी ताकत लगाने के बाद भी है वो दक्षिण मराठा शक्ति का वो पतन नहीं कर सका और उसको राजाराम और ताराबाई के समय में जो मराठा स्वतंत्रता संग्राम था उसने औरंगजेब को बहुत परेशान किया। और उस अब प्रारंभ में जो शिवाजी के समय में शिवाजी ने जिस सूझबूझ से जो संघर्ष प्रारंभ किया था उसमें मराठों को एक जो एक नई पहचान बनी, उसके बाद में जो उनके उत्तराधिकारियों ने जो मुगलों के साथ संघर्ष किया उसमें मराठों की पहचान बनी और एक शक्ति के रूप से उदित हुए। राजाराम और ताराबाई ने जो मराठों के साथ संघर्ष किया उसका तो तरीका ही कुछ अलग था और एक तरह से उन्होंने मराठा मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष है उसको मराठा स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बदल दिया
और आप पहले जो मराठे हैं वो मुगल बादशाहों के समक्ष अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे थे, अब मुगल बादशाह वो अपने आप को मराठों के समक्ष ऐसा ही महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार जो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है उससे मराठों के हौसले वो बढ़ गए, और लेकिन जो मुगल शक्ति है इसको वो नहीं रोक सके, और मराठा न केवल दक्षिण में अपने पैर मजबूत किए अपितु एक प्रकार से वो उत्तरी भारत के अंदर भी आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जो उत्तर मुगल कालीन जो शासक है लेटर मुगल से वो काफ़ी वीक थे, तो उनका लाभ उठा करके अब मराठों अपनी शक्ति है वो दक्षिण में प्रसार करते हैं, और इस तरह से मराठा शक्ति का जो उदय है और जो जो इसका प्रसार है, जिसमें शिवाजी है और शिवाजी के लड़के संभाजी है, संभाजी के बाद में राजा राम और ताराबाई है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब मराठा शक्ति का जो विस्तार होता है, उस मराठा शक्ति के विस्तार में पेशवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक तरह से पेशवा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ये भी जानना है कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है, जो मराठों के साथ संघर्ष किया उसके क्या परिणाम हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब लगभग 26 साल है वो दक्षिण में रहा, और इस प्रकार उत्तरी इस समय वो उत्तरी भारत में लगभग अनुपस्थित रहा, जिससे उत्तरी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई, और उत्तरी भारत की राजनीतिक अराजकता की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। लंबे समय तक दक्षिण के अंदर रहने के कारण से सारा खजाना खाली हो गया, और मुगल साम्राज्य की आर्थिक दृष्टि वो काफ़ी दयनीय हो गई, और ऐसा कहा जाता है कि इस समय मुगल साम्राज्य के अंदर केवल 13 लाख रुपये थे, और दक्षिण में मराठों के खिलाफ संघर्ष करते हुए मुगल सैनिकों की प्रतिष्ठा वो समाप्त हो गई थी, और मुगलों का नैतिक पतन भी हो गया था, और दक्षिण भारत में मुगल सेना लंबे समय तक रही, जिससे दक्षिण भारत में भी काफ़ी आर्थिक व्यवस्था वो काफ़ी उजड़ गई थी। तो मनुच्छी तो यहाँ तक कहता है कि मुगल सेना की लंबी अनुपस्थिति के कारण दक्षिण में मतलब मुगल सेना लंबे समय तक जो दक्षिण के अंदर रही, उसके कारण से दक्षिण के अंदर दक्षिण की जो फसलें वो चौपड़ हो गई थी, और खेतों में फसलों की जगह मरे हुए आदमी की हड्डियाँ तथा मरे हुए आदमी नज़र आ रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है वो एक प्रकार से क्या है कि असफल रही, और हम जैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण नीति है वो इसलिए असफल रही क्योंकि एक तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति थी जो मराठों के लिए है वो एक प्रकार से अनुकूल थी, और मराठों ने जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जो और महाराष्ट्र की जनता ने भी जो राष्ट्रीयता की भावना सब मिलकर के मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, और मुगल जो सेनानायक उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी, तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से हैं वो जो मराठा है वो औरंगजेब के विरुद्ध है वो सफल रहे, और औरंगजेब है वो दक्षिण में मराठा शक्ति का है वो दमन करने में असफल रहा। इसलिए यदुनाथ सरकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस प्रकार स्पेन प्रायद्वीप नेपोलियन के लिए है वो नासूर सिद्ध हुआ, उसी प्रकार औरंगजेब के लिए दक्षिण है वो नासूर सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हमने जो औरंगजेब की दक्षिण नीति और औरंगजेब के समय जो दक्षिण की प्रमुख शक्तियाँ बीजापुर गोलकुंडा और मराठा, और मराठों में शिवाजी के बारे में पढ़ा, शिवाजी के प्रशासन के बारे में पढ़ा, फिर संभाजी है, राजा राम है, और जो जो ताराबाई है उसके विषय के अंदर हमने पढ़ा, मराठा स्वतंत्रता संग्राम के विषय में पढ़ा। अब हम आगे है वो मराठों का थोड़ा सा जो पोर्शन और है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो मराठा राज्य है वो मराठा संघ के अंदर किस तरह से परिवर्तित हुआ, और मराठा राज्य को मराठा संघ में परिवर्तित करने के अंदर जो पेशवाज है जिसमें बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव है, माधव नारायण है, नारायण राय है, और माधव नारायण सेकेंड है, पेशवा बालाजी सेकेंड है, इन 7 पेशवाओं के बारे के अंदर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही जो एक महत्वपूर्ण युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध है जिसके अंदर आप जानते हैं कि MS अब्दाली है वो मराठों को पराजित कर देता है और मराठा शक्ति का है वो पतन हो जाता है। तो किस प्रकार एक विशाल मराठा साम्राज्य जिसके उदय का श्रेय है वो शिवाजी और उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है, वो किस प्रकार बालाजी बाजीराव के समय में जो MS अब्दाली है जो अफगान शासक था और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में जो मराठा सेनापति और विश्वास राव के मध्य जो 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का युद्ध होता है उसमें किस तरह से मराठा शक्ति की पूर्ण रूप से वो पराजय हो जाती है, उसके बारे में अपन अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।